2.1 टेंथ क्लास। आपको क्वेश्चन दी हुई है, वो कहता है इसके रूट्स बराबर होंगे अगर आपने ये चीज़ साबित कर ली। तो इसको साबित करने के लिए आपको क्वेश्चन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर बराबर है ए का स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पर ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, तो ए प्लस बी के फार्मूले के हिसाब से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू फार्मूले वाला ए और साथ में बी बराबर है आपके पास ए स्क्वायर। उसके बाद देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर, इसको आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस टू एम सी एक्स, टू एम सी साथ में हो जाएगा एक्स, और ये ए जो है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा बराबर किसके, जीरो के। अब आपने इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो आपके पास बच जाना है वन प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, प्लस टू एम सी एक्स, और आपने इन दोनों को एट दी एंड ऐसे ही लिख लेना बराबर किसके, जीरो के। उसके बाद आपने ए बी और सी की वैल्यू ले लेनी, ए की वैल्यू आप देखें एक्स के एक्स स्क्वायर के आगे जो वाली है वो आपका ए ए है, और एक्स के साथ वाली आपका सारा बी होता है, और जिसमें एक्स नहीं होता ये आपका सी होता है। उसके बाद आपने फ़र्क कुनिंदा का इस्तेमाल करना, फ़र्क कुनिंदा के इस्तेमाल से, फ़र्क कुनिंदा आपका है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का स्क्वायर। वो कहते हैं रूट्स बराबर होंगे, तो रूट्स तभी बराबर होते हैं जब फ़र्क कुनिंदा इक्वल टू जीरो होता है। अब आपने ए बी सी की वैल्यू लगा, बी की वैल्यू आपके पास है टू एम सी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए है आपके पास वन प्लस एम स्क्वायर, और सी आपके पास है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर किसके, ये जीरो के, चूँकि रूट्स बराबर है। अब देखें ये हो जाएगा फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब पहले इसको अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर, वन को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सी स्क्वायर हो जाएगा, वन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर हो जाएगा, एम को सी से मल्टीप्लाई करें तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर किसके, जीरो के। उसके बाद ये देखें ये दोनों रकमें जो है चार पे तकसीम हो रही है, तो आप इन्हें चार पे तकसीम कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बच जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, आपने ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें अलामत इनकी देंद हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा जमा का, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा जमा का बराबर ये किसके हो जाएगा, जीरो के। अब देखिए ये रकम माइनस की है, ये रकम प्लस की है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अब ये जो सी स्क्वायर है ये उस साइड पे ब्रैकेट बराबर की दूसरी साइड पे जाएगा तो जमा हो जाएगा, तो इस साइड पे आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर माइनस का इस साइड पे जाके जमा हो गया। आप इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन प्लस, तो वन प्लस एम स्क्वायर बच जाएगा बराबर किसके, सी स्क्वायर। तो देखें अभी ये ताहम यहाँ पर आपने लिखना है ताहम रूट्स बराबर हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसका, तो कहता है शर्त मालूम करें कि रूट्स बराबर हों इसके, यानी आपने शर्त मालूम करनी है कि कब इसके रूट्स बराबर होंगे, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन को आप सोल्व करें एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स, ये आपको क्वेश्चन दी हुई है, इसका स्क्वायर ऊपर निकाल लें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए और बी सार में माइनस फोर ए एक्स बराबर किसके, जीरो के। अब देखें ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा टू टू एम सी एक्स माइनस फोर ए एक्स बराबर किसके आएगा, जीरो के। अब देखिए स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, तो आपने लिखना है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, आपने इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लेना है, एक्स कॉमन लेंगे तो पहले बचेगा टू एम सी माइनस फोर ए, कॉमन एक्स आ रहा है, और ये सी स्क्वायर आपने एट दी एंड लिख लेना है। उसके बाद आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना, ए की वैल्यू एम स्क्वायर, बी की वैल्यू आपके पास है टू एम सी माइनस फोर ए, और सी की वैल्यू आपके पास सी स्क्वायर। अब आपने लिखना है चूँकि रूट्स बराबर हैं, रूट्स अगर बराबर होंगे तो इसका मतलब है आपने फ़र्क कुनिंदा को इक्वल टू जीरो लिखना है। उसके बाद आपने इसमें ए बी सी की वैल्यू लगा देनी, बी की वैल्यू आपके पास है टू एम सी माइनस
फोर ए का स्क्वायर माइनस फोर ए आपके पास है एम स्क्वायर और सी आपके पास है सी स्क्वायर बराबर किसका है जीरो के। यहाँ पर ए माइनस बी का फार्मूला लगा रहे हैं तो फार्मूला लगाएं आप ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू फार्मूले वाला और जार में आएगा ए और बी और ये हो जाएगा माइनस फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर किसके जीरो के। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे ये हो जाएगा फोर स्क्वायर फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये हो जाएगा सिक्सटीन ए स्क्वायर ये हो जाएगा दो दो चार और चार चार सोलह यानी सिक्सटीन ए एम सी माइनस फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर किसके का जीरो का। ये माइनस की रकम ये जमा की रकम कैंसिल हो जाएगी और इन दोनों में से 16 ए कामन आ जाएगा। 16 ए आप कामन लेंगे तो आपके पास बच जाएगा ए माइनस एम सी बराबर किसके आएगा जीरो के। नेक्स्ट टाइम में आपने करना क्या है आपने इसको भी इक्वल टू जीरो लिख लेना है और इसको भी आपने इक्वल टू जीरो लिख लेना है। उसके बाद आप देखें आपको पता है कि ये 16 तो जीरो नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है तो सिर्फ ए ही आपके पास जीरो आएगा यानी या तो ए ज़ीरो होना चाहिए या फिर ये जो माइनस एम सी ये उस साइड पे यानी ये दो शर्तें हैं या ए बराबर हो जाए एम सी के या ए बराबर हो जाए जीरो के तब इसके रूट्स बराबर हो सकते हैं। तो यही आपका सलूशन था। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें आपको डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू गिवन है आपने ए की वैल्यू लिख लेनी है और साथ में आपने बी की वैल्यू भी लिख ले जो नहीं है एक कर देता है रोक लेने से पहले। उसके बाद आपने बी की वैल्यू निकाल लेनी बी की वैल्यू आपके पास माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी सी और साथ में आपके पास सी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए सी। चूँकि आपको रूट्स गिवन दिए हैं कि ये बराबर हैं तो आपने लिख लेना है फ़र्क नहीं था चूँकि रूट्स बराबर हैं अगर रूट्स बराबर होना तो आपने फ़र्क नहीं था को इक्वल टू जीरो लिखना होता है। इसमें आपने बी की वैल्यू लगा देनी बी की वैल्यू माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी सी और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा साथ में माइनस फोर एस डी आएगा और ए की वैल्यू आपके पास है सी स्क्वायर माइनस ए बी और सी की वैल्यू आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए सी और ये इक्वल टू किसके आएगा जीरो के। अब देखें ये माइनस टू है इसका स्क्वायर हो जाएगा फोर और साथ में ए स्क्वायर माइनस बी सी का ये सभी का स्क्वायर है ये माइनस चार एक दफ़ा एस डी से लिख लें आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आपने एक को पहले अदद को लेकर दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है उसके बाद आपने दूसरे अदद को दोनों से ही मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने सी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा उसके बाद मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ए सी की पावर तीन हो जाएगा दो सी तीन ये हैं एक मिलकर ये तीन हो जाएंगे। उसके बाद आप ए बी की ए बी को बी स्क्वायर से ज़रब देंगे तो ये माइनस ए बी की पावर तीन हो जाएगा आप इसे मल्टीप्लाई करें तो ये जमा को हो जाएगा ए स्क्वायर और साथ में हो जाएगा बी सी बराबर किसके ज़ीरो के। अब देखें ये दोनों रकमें जो है चार पे तकसीम हो रही हैं आपने इसे चार पे तकसीम कर लेने कट गया अब ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है तो फार्मूला इसका बनता है ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस टू ए और साथ में आपके आएगा बी सही है। उसके बाद ये चार भी कैंसिल हो गया तो आपके पास माइनस ये रकमें आपने एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेनी है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी की पावर तीन माइनस ए बी की पावर तीन जमा ए की पावर दो बी सी बराबर किसके ज़ीरो के। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा ए की पावर चार ये हो जाएगा बी की पावर दो सी की पावर दो ये हो जाएगा माइनस टू ए की पावर दो बी सी अब माइनस ने अंदर अलामतें तब्दील कर देनी ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हो जाएगा जमा का ए सी की पावर तीन ये जमा को हो जाएगा ए बी की पावर तीन ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी सी बराबर किसके ज़ीरो के। उसके बाद देख लें आप ये दोनों रकमें जो हैं कैंसिल हो रही हैं उसके बाद इनमें से कोई रकम कैंसिल नहीं हो रही तो आपने बाकी सारी रकमें एज इट इज़ लिख लेनी है। उसके बाद देखिए आपने ये रकम एक दफ़ा ऐसे ही लिख लेनी है उसके साथ आपने ये दोनों रकमें लिखनी है यानी ए सी की पावर तीन पहले लिख लें और साथ में ए बी बी की पावर तीन
एक ही दो बी सी, एक ही दो बी सी, ये भी माइनस में है, ये भी, ये हो जाएगा माइनस का तीन, एक ही दो बी और सी बराबर किसके, जीरो के। अब आपने करना क्या, आपने इनमें से, इन तीनों में से एक कॉमन ले रहे हैं, एक कॉमन लेंगे तो आपके पास ए की पावर तीन जमा बी की पावर तीन जमा सी की पावर भी तीन हो जाएगा, और ये रकम जो है ये उस साइड पे जाके जमा हो जाएगी। उसके बाद आपने ए पे डिवाइड कर देना इसे, आप ए से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कंडीशन कुछ इस तरह से बन जानी है, ए की तीन जमा बी की तीन जमा सी की तीन, ये बराबर किसके आ रहा है, तीन ए बी सी, और यही आपने शर्त मालूम करनी थी। अब सही नजर, क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर वन है, आपने इसमें से के की कीमत मालूम करनी है, लेकिन आपको दिया हुआ है कि इसके रूट्स बराबर हैं, तो आपने डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी, ए की वैल्यू आपके पास टू के माइनस वन, बी की वैल्यू आपके पास है तीन के, और सी की वैल्यू आपके पास थ्री। अब आपने करना क्या है, चूंकि रूट्स बराबर हैं आपने लिखना है, चूंकि रूट्स बराबर हैं, अगर रूट्स बराबर होना तो फ़र्क कुनिंदा इक्वल टू जीरो होता है, उसमें आपने बी की वैल्यू लगा देनी, बी की वैल्यू आपके पास है थ्री के, और ए की वैल्यू आपके पास है टू के माइनस वन, और सी की वैल्यू आपके पास थ्री है बराबर किसके, जीरो के। ये हो जाएगा नौ के का स्क्वायर, ये चार को तीन से ज़रब नहीं, ये बारह हो जाएगा, साथ में हो जाएगा टू के माइनस वन बराबर किसके, जीरो के। अब देखिए ये तीन पे डिवाइड हो रहा है, आपने इसे तीन पे डिवाइड कर लेना है, ये बच जाएगा तीन तीन नौ तीन चार बारह, यानी यहाँ पर आपके पास बच जाएगा तीन के स्क्वायर, और ये चार दो से ज़रब हो गए ये आठ के हो जाएगा, और ये चार माइनस एक से ज़रब हो गए जमा का चार हो जाएगा बराबर किसके, जीरो के। अब आपने इसकी करनी है तजी, तीन को चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन चार बारह, आपने इसके पेयर बना लेने, एक ज़रब बारह, तो उसमें बारह में से एक निकालें तो आठ नहीं बनता, बारह में एक जमा करें तो आठ नहीं बनता, तो आप इसे दो पे तकसीम, दो छः बारह, अब देखें दो में छः जमा करेंगे तो आठ बन जाता है, तो यही आपका पेयर जो है ये वाला सही है। आपने लिखना है तीन के स्क्वायर माइनस का टू के माइनस का सिक्स के जमा फोर बराबर किसके, जीरो के। अब यहाँ से देखिए के कॉमन आ रहा है, के कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा थ्री के माइनस टू, यहाँ से मेन माइनस का टू कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा थ्री के माइनस टू बराबर किसके आ जाएगा, जीरो के। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने एक दफ़ा इन्हें लिख लेना, यानी के माइनस टू को, और एक दफ़ा आपने लिख लेना थ्री के माइनस टू बराबर किसके आएगा, जीरो के। उसके बाद आपने इन दोनों को इक्वल टू जीरो लिख लेना है, इसे भी आपने इक्वल टू जीरो लिखना है, और इस वैल्यू को भी आपने इक्वल टू जीरो लिख लेना है, ये माइनस का टू साइड पे जाकर प्लस का हो जाएगा, आपने थ्री पे डिवाइड कर देना है, थ्री पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी टू और थ्री, ये माइनस टू साइड पे जाके जमा को हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास के की वैल्यू, यानी आपके पास के की दो वैल्यू आ गई, एक दो आया और दूसरा आया दो बटा तीन, तो यही आपका सोल्यूशन था। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।